You know, बाहुबली was amazing. I haven't seen the film. दोस्तों, SS राजामौली ने परबास की बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट कर दी है और इस पर सलमान खान का शानदार रिएक्शन आया है। मीडिया से बात करते हुए सलमान खान कहते हैं, परबास सच्चे पैन इंडिया सुपरस्टार है और इस बार SS राजामौली इंडियन सिनेमा को फिर से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस करने के लिए तैयार हो रही हैं। और अगर बाहुबली रिलीज हुई तो पूरी दुनिया में परबास का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाहुबली एक मूवी नहीं बल्कि ये एक इमोशन है और पूरी दुनिया बाहुबली से जुड़ी हुई है। लोग इस मूवी को देखने के लिए पूरा महीना आएंगे और बाहुबली हर वो रिकॉर्ड तोड़ेगी जो कि बॉक्स ऑफिस पर बना हुआ है। उसी के साथ परबास की कल्कि का भी प्रमोशन शुरू हो गया है और पूरी दुनिया में जितना प्रमोशन बाहुबली का नहीं हुआ था उससे भी ज्यादा कल्कि का हो रहा है। और कल्कि भी एक बहुत बड़ी बिग बजट पेन इंडिया मूवी है जिससे परबास एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे और तेलुगु इंडस्ट्री साइंस फिक्शन में एक नई दुनिया दिखाने आ रही है। दोस्तों, सलार मूवी के बाद परबास का स्टारडम काफी बड़ा बन गया है और वहीं कल की मूवी में अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी आ रहे हैं। उसी के साथ परबास भी एक बहुत ही अच्छा कल की अवतार लेकर आएंगे, तो सोचो कितना बड़ा बवंडर आने वाला है। और इस मूवी का क्रेज कल की से और बाहुबली से मिलता जुलता है और इस बार पूरी दुनिया में इस मूवी को नेक्स्ट लेवल प्रमोट किया जा रहा है। इसका मतलब नाग अश्विन अपनी मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वहीं इस बार एक नया धमाका SS राजामौली ने भी कर दिया है। और अगर बाहुबली 3 को रिलीज किया गया तो पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा दोबारा से अपना राज करेगा, क्योंकि बाहुबली के दोनों पार्ट को पूरी दुनिया ने पसंद किया था और अब इसका तीसरा पार्ट आने वाला है और उसी के साथ भी परबास भी इंडिया के नंबर 1 सुपरस्टार बन जाएंगे जिनका मुकाबला कोई भी कर नहीं पाएगा। दोस्तों, आप बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट से कितना ज्यादा खुश हो अपनी राय कमेंट में लाजमी बताना। और सलमान खान का सपोर्ट देखकर क्या लगता है, इस बार SS राजामौली कितने करोड़ की कलेक्शन बाहुबली 3 से करेंगे, अपना प्रेडिक्शन कमेंट में लाजमी लिखना। अगर आप बाहुबली 3 और कल की मूवी की अपडेट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।